So it's been a wonderful experience to be associated with this institute. Baba ne is sanstha ka naam Brahma Kumaris kab aur kaise rakha? Atma Shakti, Atma Bal diya. Aur mahilaon ko yahan sirf shakti bhi kaha jata hai. So it's really great to see women so strong and creating a beautiful world and working so hard day and night. To bahut itna aasan nahi lagta lekin fir bhi aisi kya taakat hai jo mahilaon ko itna aage badhati hai. Matra Shakti sunti hai, सुनती है, अंडरस्टैंड करती है और उसको गाइड करती है. फिर आप देखेंगे जितनी हमारे भारत की नदियां हैं उन सब के नाम महिलाओं पर हैं. अच्छा. कारण उसका यही है कि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसको माताओं और बहनों ने बांटा. जिसकी यादगार तो वो पतित पावनी हो गई, ज्ञान नदियां हो गई. जिसकी यादगार आज हम नदियों को पतित पावनी कहते हैं. तो जब मैं माउंट आबू जाती हूँ और दादियों से मिलती हूँ तो मुझे कुछ इतनी शक्ति का अनुभव होता है बिना बात किए. बस वो देखते हैं प्यार से और मुझे लगता है मैं किसी स्वर्ग में हूँ. और परमात्मा का प्यार मुझे बहुत अनुभव होता है सिर्फ उनके सामने बैठ के. वो मेरे लिए रोल मॉडल बन गए हैं. मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनकी तरह बनूं, आप सबकी तरह बनूं. उन्होंने अपने रोम रोम में रूहानियत को और परमात्मा की रूहानी याद को बसाया हुआ है. सामान्य लोग कहते हैं परमात्मा को याद करना मुश्किल है, लेकिन इन दादियों को हम देखते हैं इनके लिए परमात्मा को भूलना मुश्किल है. जो उनके सिवाय उन्हें और कोई नज़र ही नहीं आता. पर आजकल के युवा का जो है वातावरण वो बहुत तमोप्रधान है. तो ऐसे वातावरण में रह के हर तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है. सो हाउ इज़ इट आई मीन पॉसिबल दैट दे कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम रिलेशन विद गॉड जैसा दादियों ने देखा है, आप सब ने देखा है. हमने अपने लिए केओस क्रिएट किया हुआ है. जब हम अपने उस स्टेज पर आते हैं कि मैं स्वराज अधिकारी हूँ, आई एम द सॉवरन, आई एम द मास्टर एंड एवरीथिंग इज अंडर माय कंट्रोल, आई एम द ट्रस्टी, और मैं कार्य कर भी रही हूँ, टोटली इन्वॉल्व्ड एंड येट डिटैच्ड. इसको हम लोग कहते हैं डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट. तो आज ऐसा है कि इतनी इन्फॉर्मेशन है सब जगह पे, नॉलेज गूगल है, हर तरह के एंटरटेनमेंट के साधन हैं जो कुछ साल पहले नहीं थे. फिर भी ये एजुकेशन कहीं नहीं मिलती कि सारी इन्फॉर्मेशन है. यस, अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो एक बहुत ख़ास बात, जब मैं यहाँ आई थी सबको लगता है कि जब फ्री हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे तो स्पिरिचुअलिटी को अपनाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. जो सेलिब्रेशन और फेस्टिवल्स मैंने यहाँ देखे वो दुनिया में कहीं नहीं है. बहुत सारे त्यौहार एक साथ और मनाने का नया तरीका. जब रक्षाबंधन गई तो परमात्मा ने मुझे राखी बांधी. सो आई फेल्ट दैट इज़ द ट्रू सेलिब्रेशन. वी आर एक्चुअली इन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ एंड सेलिब्रेटिंग. एंड ऑल्सो हाउ वी सेलिब्रेट बर्थडेज, दो दो जन्मदिन होते हैं, अलौकिक एंड लौकिक. So we feel, how can we spread this? We can, you know, tell them ki what is the celebration? We don't have to depend on alcohol or any kind of wrong food. Khane pe bahut dhyan diya jata hai aur manoranjan ke sadhan pe, ki hume kisi pe depend nahi hona hai. To hum jaise ye anand ki avastha anubhav karte hain, entertainment karte hain, ye to spirituality se aur bhi mazboot hoti hogi na. Bilkul. राइट काइंड ऑफ फूड फॉर माइंड बॉडी एंड सोल. सात्विक भोजन भी, सात्विक थॉट्स भी, और लाइफ स्टाइल भी, है ना. ये तीनों चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है. मेरा पर्पज यही रहा है कि बस आई वॉन्ट टू मेक एवरी थिंग अराउंड मी ब्यूटिफुल एंड आई रियली विश दैट एवरी वन इज़ वेरी हैप्पी, सक्सेसफुल, एंड आई वॉन्ट टू सी माई कंट्री फ्री ऑफ क्राइम एंड इलनेस. सो जरूर आपकी इतनी सुंदर आश है, तो जहाँ शुभ इच्छा होती है वहाँ परमात्मा भी उसमें सफलता देते.
सृष्टि के आदि में mm-hmm. आता है श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा mm-hmm. जिससे देवता पैदा हुए, वृद्धि को पाए. अच्छा, वो कौन सा यज्ञ? ये भी है, ये यज्ञ, ये यज्ञ चल रहा है. ज्ञान यज्ञ से जो है फिर देवता पैदा हुए. ज्ञान को धारण करेंगे, अच्छी बातें धारण करेंगे तो देवता कहलाएंगे, और फिर वो देवता जो है आगे देवी वंश चालू हो जाता है. कितनी अच्छी नॉलेज है, इससे बहुत अंधविश्वास हमारा खत्म होता है और हमें प्रैक्टिकल बातें पता चलती है अपने जीवन को जीने की. और उसमें लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक मोमेंट वी मस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमको इन सब चीज़ों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है. वंडरफुल. आजकल ये जिम जाने का बहुत ट्रेंड है लोग एक्सरसाइज के लिए. 10-20 साल पहले ऐसा नहीं था. जो हमें हेल्थ बनाने, मसल्स बनाने, हाँ वो भी अपने आप में एक साधना है. अच्छा, जिसको योग का कुछ करना है तो हाँ. अपने आप में एक साधना है, एक्सरसाइज करना, योगा करना, ठीक है. लेकिन जो हम लोग देते हैं जोर, वो हम आत्मा की क्वालिटी के ऊपर देते हैं. हाँ, दैट्स ट्रू. यदि वो अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, तो आपका तन भी अच्छा रहेगा. आजकल सभी कहते हैं कि उन्हें परिवार से प्रेम है या मित्रों से प्रेम है, लेकिन हमेशा मायूसी होती है क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेशन बहुत है. सच्चे प्यार में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती. सच्चे प्यार में आपको देना ही देना है. वो सिर्फ त्याग, मतलब देना नहीं, यू फील उसको त्याग में ही प्राप्ति का अनुभव होता है. हाँ. जैसे आप किसी को कोई चीज दो, आपको दे करके खुशी होती है ना जी. अगर आप किसी से लो तो आपको बोझ महसूस होगा. परमात्मा का गुण देने का है. अच्छा. वो दाता कहलाता है. हाँ. हम उनके बच्चे, हम भी दाता है. हाँ. हमने भी देना है. जितना देंगे उतना और भरेगा. सो वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट. और हम सबको चाहिए अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, हैप्पीनेस एवरीवेयर, वेल्थ. शॉर्ट लिव्ड इट इज एंड टेम्पररीली. एब्सोल्युटली. तो परमात्मा ये नहीं देता. परमात्मा हमको खुशी का वो स्टोर हाउस देता है जिसको अगर हम देखते रहें और उसको एक्सप्लोर करते रहें तो हम सदा सदा खुश रहें. जैसे भारत को भी हम सोने की चिड़िया कहते थे, किसी के पास कोई कमी नहीं थी. कोई कमी नहीं थी. बस वही दोबारा अगर बन जाए जल्दी. बनेगा, बनेगा और जरूर बनेगा और जल्दी बनेगा. जबकि हम कदम लेंगे तो हमको देख के और लोग भी कदम लेंगे ना. तो जल्दी. दीदी, मुझे यहाँ की मेडिटेशन बहुत अच्छी लगती है. तो हम अगर 2 मिनट की कुछ ऐसी मेडिटेशन करें तो बहुत अच्छा लगेगा. एक गाइडेंस मिलेगी कि हम कैसे 1 सेकंड में भी परमात्मा से जुड़ सकते हैं. इसमें वैसे तो बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए. हाँ. लेकिन अभी हम सिर्फ साइलेंस का थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं जी. कि आई एम नॉट दिस बॉडी बट आई एम द मास्टर ऑफ दिस बॉडी, सीटेड इन द सेंटर ऑफ माई फोरहेड. And I am basically pure, wise, peaceful, happy being. Let's give these thoughts to ourselves. And I am the child of the source of happiness, peace, love, wisdom, purity. And he is my father. That point of light, who we call God, is my father. So I seat myself in front of my father, the point of light. Okay? And try to experience those waves that are emanating from him.